तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है आपको। इस डेटा को हमारे पास एक टेबल के रूप में आया है, लेकिन मुझे इस डेटा को इस तरह से नहीं चाहिए। बेसिकली डेटा मुझे चाहिए कुछ इस तरह से चाहिए कि नेम, मंथ और सेल्स। क्योंकि इस तरह से डेटा होता है तो मैं इस पे पीवर्ड वगैरह और बहुत सारी चीजें नहीं रखना चाहता हूं। मुझे एक डेटा जो है डेटा फॉर्म में आना चाहिए। तो इस डेटा को मुझे इसमें ट्रांसपोज करना है, मतलब कि मुझे पहले इसको कॉपी करना है, फिर इस पे पेस्ट करना है, फिर इसको कॉपी करना है और मुझे सेल्स में पेस्ट करना है, और फिर मैं जैन को कॉपी करूं और फिर नीचे की तरफ पेस्ट करूं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को मैं रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट कब तक करूं, जब तक मेरा डेटा है। तो मैनुअल करता हूं तो काफी ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है, इसलिए हम मैनुअल नहीं करना चाहते, इसलिए हम कुछ ऑटोमेशन चाहते। तो उसके लिए चलिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं यहां पे, प्रोग्रामिंग करेंगे एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम चलिए करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि लेंदी हो थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। सब्जेक्ट कॉपी डी के नाम से मैंने माइक्रो बना देता हूं। सबसे पहले लूप की यहां पे फोर लूप चलेगा, फोर आई इक्वल टू चले टू से, क्योंकि टू दूसरे नंबर कॉलन से इसलिए हम टू से किया। और यहां पे तो मैंने बोला एक्स एफ डी वन से लेफ्ट की तरफ आए, तो रेंज हमने बोला एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्सलेस टू लेफ्ट एंड डॉट कॉलन, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, राइट। और सबसे पहले ये तो इसको कॉपी करना है, तो मैंने यहां पे दे दिया रेंज ए टू से। अब आप लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल जो है इसको मैनुअली दे देता हूं, लेकिन आप इसको डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, ए सिक्स। और डायनेमिक कैसे करना है तो हमने आपको बता ही रखा है। कॉपी पेस्ट कहां करना है, इसके नीचे। तो हम करते हैं रेंज ए वन, ए वन नहीं, ए पैंसठ हजार डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू डॉट पेस्ट स्पेशल। तो ये क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। तो यहां पहले इसने इसको उठाया, अभी तक क्या हुआ, इसको उठाया, इसको उठाया और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, नीचे से जाना है यहां पे। देखिए अब क्या करना है कि यहां पे जाना है, यहां पे जाना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है एक नीचे तक, और इसकी वैल्यू जैन की वैल्यू करनी है, राइट। तो मैं यहां करूंगा रेंज ए 65,000, 65,000 डॉट एंड, इसमें इन्वर्टर कमा छूट गया, डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट। इसमें भी हम ऑफसेट लगाते हैं, ऑफसेट यहां हो जाएगा 0,1, क्योंकि हमें कॉलम चेंज करना है। डॉट सेलेक्ट, फिर कहेंगे यहां ये हो गया सिलेक्ट। क्या कहते हैं, रेंज एक्स
एक्टिव सेल से, एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स में 1 रो एंड आई कॉलम डॉट वैल्यू। क्यों? तो जैसे कि पहली लाइन जो है, जो पहली लाइन देख रहे हो, इसने क्या किया कि नीचे से ऊपर गया और ऑफसेट में जो हमने यहां पे 1 लगा रखा है, रो में लगा रखा है, 1 कहाँ लगा रखा है, रो में लगा रखा है। तो इसने क्या किया, अगली रो में आया, फिर लाइन क्या किया, एक्टिव सेल से, एक्टिव सेल से ऊपर, एक्टिव सेल से, एक्टिव सेल से ऊपर लिया और ऑफसेट लगा के एक नीचे आया ताकि हेडिंग सिलेक्ट ना हो। और फिर इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है सेल्स की वैल्यू से, सेल्स सेल्स 1,0, क्योंकि ये 1 रो फिक्स है, कॉलन आई से अलग अलग चेंज हो सकता है, तो ये जैन की वैल्यू को लेके यहां पे पूरा असाइन कर देगा। अब सेकेंड, मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो मुझे इसकी जो कॉपी करनी है, तो इसका मुझे रो ये बताया कि एंड स्टार्ट कहां से है और एंड कहां से, बट कॉलन नहीं पता है, तो कॉलन हमारा जो है वो आई दे देगा। तो मैंने यहां पे लगाया, यहां पे रेंज लगाएंगे पहले कि रेंज, रेंज मैंने बोला कि स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग होगा सेल्स में 2 नंबर रो और आई कॉलम, और फिर मैंने बोला वापस सेल्स कितना नंबर है, 6 नंबर रो एंड ऑल्सो आई कॉलम डॉट कॉपी, और फिर हम सेम इसी को फॉलो करेंगे और यहां पे 1 की जगह पे 2 हो जाएगा और वापस इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब चलिए इसको हम करते हैं लाइव, इसका टेस्टिंग करते हैं और फिर जो होने वाले करेक्शंस को दूर करेंगे। पहले नेक्स्ट आई वन और नेक्स्ट आई है, कॉपी डी एंड रन, परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट हो गया। आप लोग अब इस कोड को एनालाइज कीजिए और बताइए कि कहां पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है, कौन सी चीज आप समझ नहीं पाए। समझ गया सर, लेकिन अगर वो जो फर्स्ट वाला है ना, A2 से A6 कॉपी, वो डायनेमिक कैसे करेंगे, क्योंकि उसके नीचे तो अपने हेडर भी आ जाएंगे। तो सर वो उसके नीचे हम किसी और चीज पे कॉपी कर लेंगे, उसके नीचे तो हम आपको इसलिए करके दिखाएं ताकि आप वो समझ सके, लेकिन इसके नीचे थोड़ी कॉपी करेंगे हम, कॉपी तो किसी और चीज पे करेंगे ना। वो तो है राइट, वो तो कर सकते हैं। हाँ, तो किसी और चीज पे कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? अगर इसमें एप्लीकेशन डिस्प्ले अगर ट्रू डाल देंगे तो ये हो जाएगा। तो आप